राम जी की जमाने के बाद इस मंदिर के भाग जागे हैं। इस गांव का क्या नाम है? गांव का नाम रामपुरी है और मेरा भोला जी। आप कहां से पधारे हैं और यहां से किधर को सुधारेंगे? आना जाना हमेशा अपने हाथ में थोड़ा ही रहता है दोस्त। इंसान सोचता है मैं उधर चलूं, किस्मत कान पकड़ कर इधर ले जाती है, सोचता है इधर चलूं, नाक पकड़ कर उधर घसीट लेती है। आपके वचन पत्थर की लकीर है। तंग आकर एक दिन मैंने किस्मत के पास बुलाया और पूछा कि बता तू चाहती क्या है? अच्छा, कहने लगी मन मानी छोड़ो, मेरी उंगली पकड़ के चलो। ठीक है, मैंने कहा तथास्तु। तो देख लो भैया, आज यहाँ कल वहाँ, परसों कहाँ। सत्य वचन, सत्य वचन। किनारे पर खड़ा खड़ा मैं यही सोच रहा था कि नदी में कूदकर जिंदगी का खात्मा कर दूं, कि अचानक आप पर नजर पड़ी और कान में आवाज आई कि हो न हो भोला, मालिक ने तेरी आह को सुनकर इस महात्मा को यहाँ भेजा है। मेरे पास तो देने को इस वक्त एक फूटी कौड़ी भी नहीं दोस्त। हाँ, ये चद्दर अगर तुम्हारे किसी काम आ सके तो बड़ी खुशी से ले जा सकते हो। आपका मन उदार है लेकिन मेरी चिंता कुछ और तरह की है। बड़ी मुसीबत में हूँ गरीब परवर। मुसीबत और जिंदगी क्या कहते हैं, चिता तक का साथ रहता है। सत्य वचन। लेकिन सारा कसूर मेरे बाप का है। या, या। मेरे बाप ने 3 शादियां की। एक से तो मैं हुआ, दूसरी से एक नीम पागल लड़का और तीसरी से एक लड़की। लड़की क्या मुसीबत की जड़ समझिए। खैर कुछ भी हो, बहन फिर भी बहन, भगवान जानता है मैंने किस किस तरह उसे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन इसका बदलाव कैसे? शादी करने से इनकार करती है। देखिए ना, कितना अच्छा वर ढूंढा था लेकिन जिस दिन बात पक्की करके आया तो उसने क्या किया, घर से भाग गए। आपसे क्या छुपा है, 4 दिन तक भूखा प्यासा उसे ढूंढता रहा, मिली भी तो 20 कोस दूर एक मेले में, और अब एक कमरे में बंद रहती है, न खाती है न पीती है न बोलती है, रोती है बस रोती है। मैं परेशान, जोरू परेशान, सारा गांव परेशान।